और तीसरी जो चीज़ है वो टेंसेज आपको सारे, और जो ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो भी आप लोगों को आते हैं सारे। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं ना, और प्रेपोजिशंस वगैरह जैसे हम एफएससी में और मैट्रिक में पढ़ते हैं, यही चीज़ें, इन्हीं से आपके जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन होनी है या सेंटेंस करेक्शन होनी है। वो कोई भी मिसिंग चीज़ दे सकता है सेंटेंस कंप्लीशन में, कोई उसकी यहाँ पे उसने तीन टाइप्स बताई हैं। एक तो कहता है कि जी सेंटेंस कंप्लीशन यूजिंग वोकैबलरी, कोई भी जो है वो वर्ड बीच में छोड़ा होगा आप लोगों ने वहाँ पे, वोकैबलरी का जो वर्ड है, जैसे सिनोनिम कोई वहाँ पे वर्ड सुटेबल लगता होगा वो लगाना है, या फिर वो कह रहा है ग्रामर। ग्रामर में अब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके टेंसेज आ जाते हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हैं आपकी, और प्रेपोजिशंस भी आ जाती हैं, और यूजिंग अप्रोप्रिएट फिलर, यहाँ भी वही अप्रोप्रिएट फिलर में वो कोई इज दैट ऑफ एट वुड कुड शुड, इस तरह की कोई भी जो आपके हेल्पिंग वर्ड में कुछ भी है वो छोड़ देगा, या वो तीन चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से सूटेबल कौन सा लगना है। और ये अब इस जो एनटीएस वाली बुक है इसमें इसकी तीन टाइप्स हैं, इसकी आगे एग्जाम्पल्स भी मैं पढ़ देता हूँ। सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम फाइव अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड, है ऑप्शन में कोई एक सिलेक्टिव जो है वो अल्टरनेटिव वर्ड सुटेबल वो आप लोगों ने यहाँ पे लगाना है। तो ये सम पीपल डैश देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर, कुछ लोग जो है डैश देमसेल्व्स इनटू बिलीव, ये बिलीव कर लेते हैं, बिलीव बनाना शुरू कर देते हैं दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करते हैं उसके लिए वो इंडिस्पेंसिबल, उसके किसी काम के नहीं है। आगे उसने ऑप्शन में दिए हैं, कीप देमसेल्व्स, फूल देमसेल्व, फोर्स देमसेल्व, डेनिग्रेड देमसेल्व, डिल्यूट देमसेल्व्स। तो उसने आगे जो राइट आंसर वो डिल्यूट बताया। डिल्यूट का मतलब होता है कि मेक समथिंग बिलीविंग दैट इज ट्रू दैट इज नॉट ट्रू, मतलब अपने आप से ये एक ना जहन में बना लेना, जो चीज़ मतलब ठीक नहीं होती लेकिन आपने एक माइंड सेट बना लिया है। मैं बोला कि कुछ लोग ये माइंड सेट बना लेते हैं, डिल्यूट देम सेल्व्स, गलत माइंड सेट बना लेते हैं, बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसके लिए वो किसी काम के नहीं है। देन आगे इसने उसकी ये फर्स्ट टाइप जो है उसके आगे एमसीक्यूज दिए हैं, कमाल्स फ्रेंड्स हैड नथिंग टू ऑफर हिम अदर देन डैश इन हिज ग्रीफ। जब भी ग्रीफ की बात होती है तो वहाँ पे तो मतलब किसी की गम पे उसने कहा है कि कमाल के जो फ्रेंड है उसके पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए उसे, अदर देन उस इन हिज ग्रीफ, उसकी गमी में उसे पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था। कमी में आप ना तो सोल्यूशन दे सकते हैं, ना फ्रेंडशिप, ना हैप्पीनेस, ना काइंडनेस, कंसोलेशन होता है, मतलब आप उसको कंसोल कर सकते हैं, उसके गम में शरीक हो सकते हैं, उसके कंसोलेशन जो है वो ग्रीफ के साथ हमेशा सूटेबल वर्ड कंसोलेशन ही होता है। देन देयर इज नो डाउट दैट वन हैज टू कीप डैश विद द चेंजिंग टाइम्स, कीप हिम पेस हिमसेल्फ असाइड वन सेल्फ ट्यूनिंग, कीप पेस, देर इज नो डाउट दैट वन हैज टू कीप पेस विद हिज, अब कीप पेस यहाँ पे सुटेबल वर्ड होगा, विद द चेंजिंग टाइम्स, इसका यहाँ पे आंसर पेस होगा। देन यहाँ पे अब ये देखें, हमें जो है वो रैंडम ही है, मतलब उसने अब ये वोकैब है तो वोकैब कोई वर्ड जो है मतलब सूटेबल वर्ड थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, कि जैसे ग्रीफ था, ग्रीफ के साथ अब काइंडनेस या कुछ भी इस तरह का हैप्पीनेस नहीं आएगा, कंसोलेशन आएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, वन हैज़ टू कीप विद द चेंजिंग टाइम्स, पेस होता है चलते रहना, देर इज नो डाउट दैट वन हैज़ टू कीप पेस, कीप मूविंग विद द चेंजिंग टाइम्स, अपने आप को बदलते रहना चाहिए, चलाते रहना चाहिए पेस। देन है बिलिंग एज मदर्स वरीज आमिर्स बिहेवियर थ्रू आउट द फंक्शन वाज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ होते हैं। इम्पैकेबल, इसको आप छोड़ दें, ये इस तरह का आता ही नहीं। आफ्टर रीचिंग न्यूयॉर्क अजहर विल हैव टू डैश हिमसेल्फ टू द न्यू सराउंडिंग्स,
अच्छा अब ये देखें, ये हमें देखने से ही आइडिया हो जाएगा। न्यूयॉर्क में पहुंचते ही जो अजहर है ना, उसको डैश अपने आप को करना पड़ेगा न्यू सराउंडिंग के हिसाब से। सबमिट, मिक्स, अक्वेट, अडेप्ट, डिवेलप। यहाँ पे जो है ना अडेप्ट, जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं वहाँ पे कहते हैं ना आप अपने आप को अडेप्ट करना या अडॉप्ट कर लेंगे, अपने आप को वहाँ पे उस जगह में ढाल लेंगे। तो अडेप्ट जो है वो यहाँ पे सूटेबल वर्ड है। देन आगे भी इसने उसकी जो दूसरी टाइप्स हैं, दूसरी या तीसरी टाइप है, वो इस तरह ये MCQs दिए हैं हर के आगे। और इसमें कुछ टफ भी होंगे, बाकी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही हैं। इनके आंसर्स भी आगे गिवन हैं। और ये आप लोगों को अगर टेंसेज वगैरह आते हैं, आपकी वोकैबलरी अच्छी है, आपको ग्रामर आती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट माशाल्लाह सारे ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों की जो है वो टेंस वगैरह तो आप लोगों को आते होंगे। और इतने शॉर्ट टाइम में अगर हम करने बैठ जाएँ, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम उसमें टेंसेस भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी और प्रेपोजिशन भी और दुनिया की पता नहीं 1800 रूल्स हैं इनकी, जो करेक्शन के हर एक की पार्ट ऑफ स्पीच की अलग से करेक्शन होती हैं, इनमें मिस्टेक्स की जो होती हैं। तो जनरल ये तो आप लोगों का जो FSC तक अपनी जो स्ट्रेंथ है वही काम आएगी। ये सेंटेंस कंप्लीशन, यूजिंग, ग्रामर, ये इसमें वही सारी चीज़ें आ जाएंगी ग्रामर की। तो जो इंडिया पिक्स वेबसाइट है उस पर ये भी पड़ा हुआ है, यहाँ से भी कर लें और वहाँ से इंडिया पिक्स में भी इसका सेंटेंस कंप्लीशन के, सेंटेंस कुरेक्शन के जो है ना वो पोर्शन बने हुए हैं, और उनके आगे टेस्ट भी बने हुए हैं। जोहा खलील ने हैंड रेज किया है। जी जोहा खलील, सर, ये यूसेट में क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग का तो कोई पार्ट ही ना होगा, मतलब एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का कोई पार्ट ही ना होगा। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग यू सेट में, हाँ जी, सिर्फ क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग है आपकी जी, ये सारी मैथ ही है। और इसमें आपके सिनेरियो जी भी ठीक है। एनालिटिक्स, वो भी मैथ के रिलेटेड होंगे, जैसे होता है कि फलां जो है ए टू बी इज फादर ऑफ बी एंड सी इज मदर ऑफ सी एंड इस तरह के जो होते हैं, या फिर फलां दो बंदों की एज इतनी है और 2 साल बाद इतनी एज है, और पहले 2 साल पर 2 साल पहले इतनी थी तो अब एज क्या होगी, मतलब इस तरह के जो ना मैथमेटिकल मेंटल थोड़े से होते हैं वो इसमें सिनेरियो बेस्ड या मेंटल मैथमेटिक्स में होंगे। बाकी ये मैथ का पोर्शन है, ये हम कल से अरिथमेटिक काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो ये हम कोशिश करेंगे इसमें कल और परसों में 2 दिन में कवर हो जाए अरिथमेटिक, क्योंकि इसमें अब जाहिर है इतनी डीप उनको भी पता है, तो बहुत ज़्यादा डीप तो हम नहीं जा सकते। हम इसके फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल जो हैं मेजर मेजर वो सब की कर लेंगे। इसमें आप लोगों के एवरेज रेशो के क्वेश्चन और जो आपके नंबर्स होते हैं, होल नंबर, कंप्लीट नंबर, और नंबर, इवन नंबर, वो हो गए, एवरेज हो गई, रेशो हो गई, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये 4-5 चीज़ें हो जाएंगी। और अलजेब्रा और फंक्शंस, अलजेब्रा के भी 3-4 पार्ट हैं, ज्योमेट्री की भी मेन मेन चीज़ें कर लेंगे, इक्वेशन भी 3-4 टाइप्स हैं, और स्टैटिस्टिक्स के तो कोई ज़्यादा नहीं, वो भी हम मेजर 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने ये उनको भी पता है कि जो स्टूडेंट सबके लिए जनरल है, तो जनरल में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं, दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, सारे मैथ वाले तो नहीं हैं, तो ये इतना अगर वो बनाने लग जाएं और बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकल टाइप के, तो फिर तो मेजोरिटी पास ही ना कर सकते। अब इसमें ऐसे भी है तो वो नॉर्मली टेस्ट होगा, इतना बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म का नहीं होगा, एवरेज होगा कि सब लोग जो हैं वो पास कर जाएंगे मोस्टली। और जो नंबर्स की वो आप लोगों की मेहनत पे है, या कुछ लोग वैसे ही मेंटली तौर पे जहीन होते हैं ज़्यादा दूसरों से, तो वो जो है वो जल्दी कर जाते हैं इस चीज़ों को, पिक कर जाते हैं। एक बंदा जो है चाहे नंबर ज़्यादा ले जाए, लेकिन वो इस तरह की चीज़ को पिक करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो मेन चीज़ इसमें टाइम भी होता है, आप लोग जो आप लोग को ज़्यादा ईजी आता है वो पहले करें, और जो मुश्किल लगता है उनको बाद में करें, ताकि जो